आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव 2022 का शंखनाद कर दिया और उत्तराखंड में सरकार बनने पर रोजगार, फ्री बिजली समेत कई वादे उन्होंने किए हैं। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की। उत्तराखंड चुनाव 2022 का शंखनाद, आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, 6 महीने में 1,00,000 नौकरियों का वादा, नौकरी ना मिलने तक ₹5,000 भत्ता, उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण का वादा, 300 यूनिट फ्री बिजली का देंगे फायदा, पुराने बिजली बिल माफ का किया वादा। दिल्ली के सीएम ने ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में 1,00,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और नौकरी ना मिलने तक ₹5,000 भत्ता दिया जाएगा। हर परिवार से एक युवा को ₹5,000 महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1,00,000 सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। केजरीवाल ने अपने पुराने वादे को दोहराते हुए कहा कि यहां पर सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिल माफ करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे तो हर महीने एक नया सीएम मिलेगा, लेकिन अगर आप हमें वोट देंगे तो हम 5 साल के लिए एक स्थिर सीएम देंगे। उन्होंने कहा कि हमें वोट देने से उत्तराखंड में पलायन रुकेगा। एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और यूपी के बाद उत्तराखंड के चुनावी रण में बिगुल फूंक दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।